आज बन रही है कढ़ी दोपहर के खाने में, क्योंकि बहुत दिन हो गया था कढ़ी बनाए हुए, और जो है तो रमज़ान के पहले का जो कढ़ी बना था फरीन है ना, हाँ, उसके बाद बनाई, उसके बाद बना नहीं था, तो आज बहुत मन कर रहा था, बच्चे लोग भी बोल रहे थे, तो आज जो जाता हम कढ़ी बना रहे। यहाँ पे हम बेसन फेंट चुके हैं प्याज डाल के, अब हम इसको फ्राई करेंगे पकौड़ी को। अच्छा, मेरी कढ़ी जो है वो बन चुकी है, और किचन में से अब हम लोग घर में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा मिक्सर जो है काफ़ी दिन से जो है ना, इसका तार जो है यहाँ पे जगह जगह पे देखेंगे, यहाँ पे कट्स आ चुका है, तो इसके वजह से क्या है ना, डर रहता कभी भी शॉर्ट लग सकता है घर में जो है, और वायर स्मेल भी करता है। हाँ, स्मेल भी करता है मसाला पीसने के टाइम। तो बस मैं चलती हूँ मार्केट फरी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये प्लग देखिए, मैंने इस पे टेप लगा लगा के जो है ना, बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा था, हम लोग कई दिन से ऐसे ही कर रहे थे। तो अब मैं चलती हूँ, फिलहाल नहा के नमाज वगैरह पढ़ के जो है मार्केट चलती हूँ, और इसका जार भी जो है वो भी टूट चुका है, तो नया जार फरीन आएगा, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बन जाएगा तो बहुत आराम है मसाला वगैरह। हाँ, क्योंकि इसमें ना डर बहुत काफी ज्यादा डर रहता था। देखिए ये देखिए, मैं आपको लोग को दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये रहा। तो मैं मिक्सर वैसे मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, कुछ भी खराब इसमें बस नहीं इसका हुआ, वायर चेंज करवाना, बस इसका वायर चेंज करके और एक नया जार ले लेंगे, है ना। तो बस मैं नहा धो के फरीन निकलती हूँ मार्केट, और वहां से मैं इसको जो है देखो, एक दिन में देता है बन के, अभी आज तो देगा नहीं, तुरंत वो अगले दिन ही देगा। तो एक मेरे बेटे का भी मिक्सर वो भी लेके आया था, तो जब तक उससे काम चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस देखिए, यहाँ पे बस मैं अब निकलती हूँ, नमाज वगैरह हो चुका है, खाना पीना हम लोग खा चुके हैं, और बस मैं फरीन और समायरा जो हम लोग चलते हैं, मिक्सर भी ले लेते हैं, और साथ साथ कुछ देखेंगे शाम को क्या बनेगा वो लेके आते हैं, चलते साथ आगे। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे कप लेने, मेरे पास कप जो है वो टूट चुके थे, तो मैं सोची मार्केट से जो है निकली हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा मैं कप देख लेती हूँ। इसमें कलर तीन है, तीन कलर है, दिखाना इसके कलर, दिखाना भी, और ये साथ में इसके जो है टी सेट भी है, ये पूरा टी सेट केतली है इसके साथ। ये कितने का भी है इसका प्राइस, ये वाला जो है आपका 350 रुपये का, ये 400, साढ़े चार सौ का है। वैसे अच्छा यही लग रहा है देखते हैं इसमें ना, ये अच्छा लग रहा है तुम्हारा, दिखाना जा, इसमें कलर दिखाना एक बार एक कप निकाल के दिखा सकते हैं आप, दिखा देगा। हाँ, एक निकाल के दिखा देना जरा, एक बार ये भी निकाल के दिखा देंगे, इसमें एक निकाल के दिखा दो बाबू जरा, ये देखिए ये भी कप जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, ब्लू और वाइट, ब्लू और वाइट वाला, ये देखिए ये दिखाना, ये देखिए इसका शेप कैसा है भैया, इसका शेप देखिए, हाँ न्यू मॉडल है, अच्छा लग रहा है, इसमें कलर और बस ये दो ही कलर है, आप तीन बताए ना, ग्रीन भी है, दिखाओ एक बार ग्रीन कलर, और ये क्या चीज है, ग्लास है, एक बार जरा खोल के दिखाइए इसको,
ये कॉपर के ग्लास है, कितने का दे रहे भैया? 300 का चार ग्लास है, 300 का चार ग्लास मेरा ले रही है। आप मुझे कब दिखा दो जरा, और कलर ग्रीन कलर बता रहे तो जैसे ही मैं कप लेके निकल रही थी इस दुकान से, तो मेरी नज़र पड़ी ये हॉट पॉट पे और ये मुझे बहुत ही यूनिक लगा। ब्लैक और गोल्डन कलर का इसका जो कॉम्बिनेशन था, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये सेट देखिए, ये मैंने उठा के देखी, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल अभी मुझे इसका काम नहीं था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी हॉट पॉट है। और आगे चलती हूँ, देखती हूँ और क्या क्या सामान है इस दुकान में। और यहाँ पे देखिए आगे भी बहुत सारे जो हैं पानी की बॉटल वगैरह रखी थी, तेल के डब्बे हैं, अब तेल की शीशियाँ जो हैं यहाँ पे थी, और बहुत सारे सामान थे। तो फ़िलहाल मैंने अपना कप ले ली और बस मैं चलती हूँ अब घर। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से यहाँ से, और बस देखिए रास्ते में मैंने दो चीज़ और ली हूँ, मैं आप लोग को बताती हूँ। तो मैं सोची आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कुरान शरीफ ली हूँ, छोटा सा बॉक्स है ये, रिजनेबल प्राइस है इसका, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें 30 पारे हैं कुल मिला के, हम जो है कहीं भी बैठ के जो है पढ़ सकते हैं। मतलब एक मतलब भारी भी नहीं है कि हाँ लेके बैठना पड़े, अलग अलग है इसमें अंदर, पूरा 30 पारा का सेट है ये पूरा। तो ये देखिए मैं सोची आप लोग के साथ इसको शेयर कर दूँ। तो माशाल्लाह से इसका पहला पारा देखती हूँ, ये है इसका पहला पारा। और इसके हुरूफ देखिए कितने बड़े बड़े हैं, इसके वर्ड्स कितने बड़े बड़े हैं। तो माशाल्लाह से ये कहीं भी बैठ के जो है नमाज पढ़ने के बाद हम पढ़ सकते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये हल्का भी रहता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो इसको मैं रख देती हूँ बॉक्स के अंदर। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं साथ साथ में मैंने कप भी ले ली थी वहां पे, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ आपके। देखिए ये देखिए, इसको खोलो तो बेटा, तो ये देखिए ये रहा कप मेरा, व्हाइट और ब्लू में जो है ये कप मैंने ली हूँ। और मुझे हल्का कलर है इसके, लाइट कलर्स तो माशाल्लाह अपने आप में अच्छे होते हैं सब सेट के। और इसके साथ मुझे 6 जो है प्लेट्स भी साथ में इसके मिले। सॉसर, वैसे बॉम्बे में इसको सॉसर बोलते हैं, सॉसर बोलते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है कांच का ये ले ली। इसका पत्थर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, डिजाइन भी प्यारा है, डिजाइन इसका बहुत ही अच्छा सॉलिड है, अच्छा बना हुआ है। हाँ, तो चलो मैं इसको रख देती हूँ, इसको भी ऐसे नहीं। और यहाँ पे देखिए फरीन जो है ना, उनको जो है अपने लिए ये सेट पसंद आया था वहाँ पे मार्केट से, तो ये भी हम लोगों ने ले लिए थे फरीन के लिए, जैसे कहीं भी पहन के आ जा सकती हैं शादी वगैरह में। तो देखिए ये आप लोग को कैसा लगा, माशाल्लाह से ये इसका भी बहुत रिजनेबल प्राइस था, और ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा लगेगा, ये शादी वगैरह में लिए हैं पहनने के लिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये भी। तो चलो शाम हो चुकी है और बस हम लोग जो है खाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो है आटा गूंद ली हूँ और मटन बनेगा जो मैम, आज मेरा गला जो है सर बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। भाई और बहनों, तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और खर्चा देखिए, कुछ ना कुछ खर्चा तो आते ही रहता है। वॉशिंग मशीन भी पीछे मेरी खराब हो गई थी, जब वॉशिंग मशीन बनी तो अब मिक्सर खराब हो गया, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हमारे साथ। अब मिक्सर बन के आता है, देखो क्या खराब है, मिक्सर बन के आता है तो अल्लाह ना करे कुछ भी खराब हो। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। भाई और बहनों, कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ साथ लाइक कर दिया करें, प्लीज प्लीज सपोर्ट करिए। और इस वीडियो को बस रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़।